फ्रेंड्स, स्माइल इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी स्माइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एज पे हो, क्योंकि एक स्माइल जो उसमें क्रूकेड दांत हैं, जिसमें स्पेसिंग है, या वो अलाइंड नहीं है, या बहुत बाहर की तरफ है, वो किसी भी एज पे अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की. तो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बीइंग एन अडल्ट ऑल्सो आप अपने टीथ का ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि एक स्माइल हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो बाहर लेकर आती है. फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे कि आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट अडल्ट्स के लिए भी पॉसिबल है. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू अगेन बैक टू माय चैनल. फ्रेंड्स, स्माइल इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी स्माइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एज पे हो, क्योंकि एक स्माइल जो उसमें क्रूकेड दांत हैं, जिसमें स्पेसिंग है, या वो अलाइंड नहीं है, या बहुत बाहर की तरफ है, वो किसी भी एज पे अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की. तो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बीइंग एन अडल्ट ऑल्सो आप अपने टीथ का ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि एक स्माइल हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो बाहर लेकर आती है. फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे कि आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट अडल्ट्स के लिए भी पॉसिबल है. यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, अडल्ट्स कैन ऑल्सो गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट. इसमें जो ब्रेसेस हैं वो आपके दांतों पर बॉन्ड की सहायता से लगाए जाते हैं और दांत आपके बोन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. आज इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं. फ्रेंड्स, एक हेल्दी स्माइल आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, जैसा मैंने आपको बताया. और हमारे पास ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो आपको इवन 50s की एज में भी बेनिफिट कर सकता है, जिसके लिए आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होता है. और हम आपको ये बताते हैं आपका चेकअप करके कि आपके लिए किस टाइप का ट्रीटमेंट सबसे सूटेबल रहेगा. नो डाउट फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये मानना है कि बच्चों में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और बड़ों में नहीं. बट बात ये है कि बच्चों में नो डाउट ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होता है, और इवन फास्ट भी होता है, बिकॉज हमारी जो जॉ की बोन्स हैं वो साथ साथ डेवलप हो रही होती हैं. तो हमारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत फास्ट और बहुत अच्छा आता है. पर ऐसा नहीं है, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जॉ बोन कंप्लीट होने के बाद अडल्ट्स में भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेसेस दांत के ऊपर प्रेशर से मूवमेंट करते हैं. जब दांत के ऊपर प्रेशर हम ब्रेसेस से लगाते हैं तो वो बोन में मूव करता ही है. बस शायद कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जैसे ट्रीटमेंट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट टाइम आपका इंक्रीज हो सकता है. बट द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल इवन इन अवर अडल्ट्स. हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना है तो हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अडल्ट्स में हमारी जो जॉज की बोन है वो बहुत डेंस हो जाती है, यानी कि हार्ड हो जाती है, तो दांतों का मूवमेंट करना थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर हो जाता है. इसके लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से, जो स्पेशलाइज करते हैं दांतों के अलाइनमेंट, जॉ के अलाइनमेंट में और बाइट प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने में. उसके साथ हम आपसे मिलकर आपकी कुछ जाँचें करवाते हैं, जैसे रिक्वायर्ड एक्सरेज वगैरह, आपके फोटोग्राफ्स लेते हैं, और उसके बाद आपके दांतों का मॉडल बनाते हैं. फिर ये हम डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से रहेगा, एंड आफ्टर दैट वी गिव यू द ऑप्शंस अवेलेबल. फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस हैं, जैसे कि मेटल ब्रैकेट्स जो लगाए जाते हैं. ओल्ड एज में इनका डिसएडवांटेज यही है कि ये विजिबल हैं, तो आप थोड़ा कॉन्शियस रह सकते हैं, और ये एक मेटालिक लुक देते हैं. अगर आप दांत के कलर के ब्रेसेस के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए सिरेमिक कलर ब्रेसेस अवेलेबल हैं, जो बहुत ही मिनिमली दिखाई देते हैं, पर हाँ, वो भी विजिबल होते हैं कि वो दांत के ऊपर कुछ अटैचमेंट लगा है. और इसके साथ आप वायर्स मेटल के या फिर सिरेमिक कोटेड वायर्स भी ले सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आगे चलें तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्लियर अलाइनर्स का, जो ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं, जिनको आप अपने दांतों के ऊपर पहन लेते हैं, जस्ट स्नैप ऑन कर लेते हैं, और फिर वो दांत पर प्रेशर लगाती हैं, जिससे आपके दांतों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. फ्रेंड्स, ये क्लियर अलाइनर ट्रेज जो हैं, इनको आपको खाना खाते टाइम रिमूव करना होता है, और मिनिमम 22 आवर्स का वियर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो इसमें हमें आपकी कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। इसमें पेशेंट कंप्लायंस के बिना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि आप इनको जब भी आपका मन हो आप इनको रिमूव करके रख सकते हैं अलग। इनको वाटर और सोप से आपको वॉश करना होता है और रेगुलर आप इनको टाइमली वियर करना होता ही है, देन ओनली आपको अलाइनर्स का पूरा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास लिंगुअल अप्लायंस का ऑप्शन है, जो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि दांत के बाहर की तरफ कोई भी अटैचमेंट दिखाई दे, उनके लिए लिंगुअल ब्रेसेस एक नया ऑप्शन है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बात करने में दिक्कत हो सकती है और आपकी टंग को ये काफ़ी इरिटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स जॉ सर्जरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। कभी कभार हमें जॉज को अलाइन करने के लिए पहले जॉ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद हमें जैसे सूटेबल हो उसके साथ हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। तो सर्जरी कंबाइंड विद ब्रेसेस ट्रीटमेंट भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। एंड लास्ट पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटेनर। जब भी आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, चाहे आपने वो किसी भी तरह के ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लिया हो, मेटल, सिरेमिक या लाइनर, आपको रिटेनर्स पहनने होते हैं एक शेड्यूल्ड टाइम पीरियड तक, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो रिलैप्स ना हो और आपके दांत जो है वो न्यू पोजिशंस में स्टेबल हो जाएं और कभी भी कोई भी आपको फ्यूचर में कोई टूथ मूवमेंट ना हो। तो ये आपके जॉज को और आपके टीथ को स्टेबल करने के लिए हमें रिटेनर्स आपको एक पर्टिकुलर गिवन टाइम तक पहनाने होते हैं अपने ब्रेसेस पेशेंट को। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे अडल्ट पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, नो डाउट। इन द एंड फ्रेंड्स मैं बस यही बताना चाहूँगी कि हमारे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस फॉर अडल्ट क्या हैं। देखिए अडल्ट एज में दांतों को सही करवाना एक बहुत अच्छी बात है, जिससे आपकी ओरल हेल्थ मेंटेन होती है, आपके दांतों की अलाइनमेंट ठीक होती है, आपका कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ग्रेजुअली जो एज के साथ साथ हमारी बाइट डीप होने की वजह से दांतों में एट्रिशन होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स ब्रेसेस द्वारा दांतों के अलाइनमेंट को ठीक करने से वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती हैं। आपकी डेंटल फिलिंग्स, आपकी क्राउन्स जो ये सब वियर ऑफ होने लगते हैं, चिप ऑफ होने लगते हैं डीप बाइट की वजह से, ये भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पूरी तरह जो है सॉल्व हो जाती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, और आपको एक वेल अलाइंड आर्च मिलती है जिसमें आपके दांत पूरी तरह अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं। इन द एंड फ्रेंड्स नो डाउट ब्रेसेस ट्रीटमेंट विल टेक अ लॉन्गर टाइम इन एन अडल्ट पेशेंट, बट दैट टाइम जो रिक्वायर्ड है, जो मंथली विजिट्स रिक्वायर्ड हैं, जो एक सिंसेरिटी और डेडिकेशन रिक्वायर्ड है इस टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट में, दैट इज़ डेफिनेटली वर्थ द एफर्ट्स। अगर आपको एंड में एक हेल्दी वेल अलाइंड एक ब्यूटिफुल स्माइल मिलती है, तो दैट इज ऑल द एफर्ट्स विच यू विल पुट इन गेटिंग द ब्रेसेस ट्रीटमेंट एट दिस अडल्ट एज। सो इससे घबराने वाले या परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली अडल्ट एज में भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं और अपनी स्माइल को एनहांस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।